शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. योग लेट गो सीरीज की यह पहली पेशकश आप तक लाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। खूबसूरती इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इस खूबसूरती को पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, पर यह है कि आसानी से नहीं मिलती। आज बाजार में तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने का दावा करते हैं। शायद आप लोग इन प्रोडक्ट्स से बहुत पैसा भी खर्च करते होंगे, लेकिन क्या वाकई में ये प्रोडक्ट्स आपकी मदद कर रहे हैं? योग एक परखा हुआ अचूक और मुफ्त तरीका है अपनी खूबसूरती को निखारने का और बरकरार रखने का, और बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इन योगासनों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं और अनुभव लें अपने एक नए स्वस्थ और निरोगी जन्म का। त्रिकोणासन। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों को थोड़ी दूरी पर रखिए, हाथों को अपने सामने सीधे रखिए, कंधों के सामने, सामने झुककर दाहिनी हथेली से बाएं पैर को छुएं, दूसरा हाथ सीधा सामने रहेगा। सीधे खड़े हो जाइए, आगे झुककर बाएं हाथ से दाएं पैर को छुएं, इस क्रिया को दोहराएं। सूर्य नमस्कार। अपने पैरों को साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद और मन शांत रखें। हाथों को सीधे ऊपर उठाते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें। आगे की तरफ झुकें। अपने हाथों से पैरों को पकड़ें, अपनी नाक से घुटनों को छूने की कोशिश करें। अपने हाथों को जमीन पर रखें पैरों के पास, बाएं पैर को मोड़ते हुए
दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं, अपना शरीर पीछे की तरफ झुकाएं, अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए सीधा पैर पीछे की तरफ मोड़ें, दोनों पैरों को साथ में लाकर अपना वजन हाथ और पैरों पर रखें। पैरों को मोड़कर अपनी नाक से घुटनों को छूने की कोशिश करें। अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर चिन को जमीन पर रखें हाथों के बीच। अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर ऊपर की तरफ ले जाएं और अपना वजन अपने हाथों पर रखें। ऊपरी शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें, अपने शरीर का भार अपने हाथों और पैरों पर रखें और अपने शरीर को अंदर की तरफ झुकाएं। दाएं पैर को आगे लाते हुए अपना ऊपरी शरीर पीछे की तरफ मोड़ें, शरीर का भार दाएं पैर पर रखें। दोनों पैरों को साथ में लाएं, पैरों को हाथों से पकड़ते हुए अपने नाक से घुटनों को छूने की कोशिश करें। सीधे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और ऊपरी शरीर पीछे की तरफ मोड़ें। वापस पहले पोजीशन में आ जाएं। अर्ध मत्स्येंद्रासन। टांगों को अपने सामने सीधे रखते हुए बैठ जाइए। इस अवस्था में टांगें पास पास रहेंगी। बाईं टांग मोड़कर बाएं पैर को दाईं टांग के नीचे रखें। दाईं टांग को घुटने पर मोड़ते हुए दायां पैर बाईं टांग के बगल में जमीन पर सीधे रखें। दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ में पकड़े कोहनी को दाएं पैर से लगाकर रखें। दाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस स्थिति में जितनी देर संभव हो बैठें। टांगों को फिर से सामने जमीन पर सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दाईं टांग मोड़कर बाईं टांग के नीचे रखें। बाईं टांग उठाकर बायां पैर दाहिनी टांग के बगल में जमीन पर रखें। बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ में पकड़ें, कोहनी को बाईं टांग से लगाकर रखें। बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस अवस्था में जितनी देर बैठ सकें बैठें। पश्चिमोत्तनासन। टांगों को सीधे सामने की तरफ रखें, पैरों को साथ रखें, सामने झुककर अपने पैरों को पीछे से पकड़े, धड़ को सामने झुकाते हुए सर से घुटनों को छुएं, फिर से सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को सर के ऊपर सीधे उठाएं
और धीरे से नीचे की ओर ले आएं। धीरे धीरे अपने हाथ सीधे ऊपर उठाएं और ये क्रिया दोहराएं। पेट के बल लेट जाइए, पैरों को घुटनों तक ऊपर की तरफ मोड़िए, हाथों से अपनी एड़ियां पकड़िए, श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। वजन आपके पेट पर पड़ना चाहिए। इस स्थिति में जितनी देर संभव हो रुकें। सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाइए, अपने हाथों को धड़ के बगल में रखिए, हथेलियां नीचे, अंदर श्वास लेते हुए अपने पैरों को सीधे ऊपर उठाइए, हथेलियों से कमर को सहारा देते हुए ऊपर उठाइए, पैरों को जितना सीधा उठा सकें उठाइए। इस स्थिति में सीधा रहते हुए आपको सारा वजन कंधों पर डालना है, हथेलियों से कमर को सहारा देते रहिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। सर्वांगासन दिल और दिमाग की रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, इससे आपके कंधे, पीठ, कोहनियाँ, हाथ और गर्दन मजबूत रहती हैं। पैरों को अंदर की तरफ रखते हुए घुटनों के बल बैठ जाइए, घुटनों के बल उठकर पीछे की तरफ झुकते हुए अपनी एड़ियों को पकड़िए, शरीर को जितना पीछे की तरफ झुका सकते हैं झुकाइए, गहरी और तेज श्वास लीजिए। इस आसन से आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे वो मजबूत हो जाते हैं। इस स्थिति में गहरी श्वास लेते हुए कुछ समय तक रहें।
आंखें बंद रख अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिनी कोहनी को बाएं हाथ की हथेली पर रखें। सांस रोककर दूसरे नाक को अंगूठे से बंद करें, बाएं नाक से श्वास छोड़ें। दाहिनी हथेली की पहली उंगली और अंगूठा साथ लाएं। बाईं तरफ की नाक को दाहिने हाथ की दूसरी और तीसरी उंगली से बंद रखकर दूसरी तरफ के नाक से गहरी सांस लें। बाएं नाक से श्वास लें। अब दोनों नाक को बंद कर दें। दाहिने नाक से गहरी और लंबी श्वास लें। दोनों नाक बंद रखकर इस स्थिति में कुछ पल रुकें। बाएं नाक खोलते हुए श्वास छोड़ें। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। त्रिकोणासन। इस आसन का उपयोग घुटनों की तकलीफ दूर करने में होता है। इसकी सहायता से पेट की परेशानी तथा वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस क्रिया को 20 बार करें। सूर्य नमस्कार ये आसनों का राजा है। ये आसन शरीर के सभी अंगों एवं मांसपेशियों को सुडौल बनाता है। ये आसन रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। ये आसन हृदय रोगियों के लिए काफी लाभकारी है। ये आसन पाचन शक्ति के लिए फायदेमंद है। इससे त्वचा की कांति बढ़ाने में मदद मिलती है। इस क्रिया को 10 बार करें। अर्ध मत्स्येंद्रासन ये शरीर को हृदय रोग से बचाता है। इससे चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है, पेट साफ करने में सहायक है। इस क्रिया को 10 बार करें। पश्चिमोत्तनासन ये आसन पेट साफ करने वो वजन कम करने के लिए उपयुक्त है। इस क्रिया को 10 बार करें। धनुरासन ये आसन पेट को पतला करने एवं कब्ज दूर करने में उपयुक्त है। इस आसन को करने से पीठ तथा गर्दन का दर्द दूर करने में लाभकारी है। इस क्रिया को 10 बार करें। सर्वांगासन ये मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है एवं संपूर्ण शरीर को कांतिमय बनाए रखने में मदद मिलती है। ये आसन स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इससे चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है। इस क्रिया को 1 बार करें।
उष्टासन। ये आसन मस्तिष्क को तरोताजा बनाए रखता है। सर्वाइकल पेन को दूर करने में ये उपयुक्त है। आपके पेट की मांसपेशियों मजबूत हो जाते हैं, घुटने और जांघों के भाग मजबूत और लचीले बनेंगे। इस क्रिया को एक बार करें। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। इस क्रिया को 5 मिनटों तक करें। त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तनासन, धनुरासन, सर्वांगासन, उष्टासन, प्राणायाम, खूबसूरती निखारने के लिए आवश्यक खान पान निर्देश। जैसा अन्न वैसा तन। हम जो आहार लेते हैं उसका असर हमारे सौंदर्य पर पड़ता है। आप संतुलित एवं पौष्टिक आहार का उपयोग कर स्वस्थ रह सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा को भीतर से पोषण मिलता है और इसमें चमक पैदा होती है। खान पान से जुड़ी खास बातें। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल तथा सभी तरह की शाक भाजियां अधिक मात्रा में उपयोग करें। कुकिंग ऑयल और एनिमल फूड निर्धारित मात्रा में लें एवं वनस्पति घी बटर कम खाएं। आलस्य को दूर रखने के लिए मोटापे से बचें, नमक कम ही खाएं, खूब पानी पिएं, बेवरेजेस सीमित मात्रा में उपयोग करें, ताजे फल व सब्जियों का प्रयोग करें, स्किम्ड मिल्क या काउज मिल्क का उपयोग करें, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोज पिएं, तली भुनी मसालेदार खाद्य पदार्थों से दूर रहें, भोजन के बीच जरूरत से ज्यादा फासला ना रखें, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नॉनवेज ना खाएं, रेड मीट से दूर रहें, मछली व चिकन को चर्बी की परत उतार कर उपयोग करें, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और ई त्वचा को खास पोषण देते हैं, इसलिए अपने भोजन में विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा मौसम्बी उपयोग करें। विटामिन ई अनाज और वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है।